नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी है तो कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए ना गणेश जी के लिए, तो श्री गणेश जी के लिए बन रहे हैं लड्डू। वैसे तो लड्डू मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ, आपके सामने शेयर भी किए हैं, सूजी के, बेसन के, पर इस बार मैं बना रही हूँ चने के दाल के आटे के लड्डू। देखते कैसे, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं मेरे ये लड्डू। तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए, चने की दाल के लड्डू बनाने के लिए मैंने चने की दाल को 4-5 घंटे पहले इसको पानी में रख दिया था भिगोने के, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, देखो अच्छे से टूटी जा रही है। अभी हम इसको बाहर निकाल के इसका पेस्ट बनाएंगे हम, बिना पानी इस्तेमाल किए। तो पहले हम इस चने दाल को बाहर निकालते हैं। तो ये देखो, चने की दाल को बाहर निकाल दिया, अब इसका पेस्ट बनाएंगे हम बिल्कुल स्मूथ सा। और ये रहेगा कि इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं, आराम से बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर बन चुका अच्छे से। बीच में अगर आपकी 1-2 दाना चने की दाल रहता तो कोई बात नहीं, हमें फिर से इसको ग्राइंड करना है, इसलिए हो जाएगा। तो अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको पकौड़ियों की तरह डीप फ्राई करते हैं। तो देखो, डीप फ्राई के लिए मैंने देसी घी लिया, कि देसी घी के लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखो मेरा गर्म भी हो गया है, तो चलो हम इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पकौड़ियों की तरह डालते हैं, ऐसे करते हैं। देखो मैंने सारी पकौड़ियों के टाइप में डाला, छोटी छोटी डालना जल्दी से अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो अब इसको हमें हल्का ब्राउन करना है, फिर हम इसको पलटेंगे। तो तब तक हम इनके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए चाशनी बनाते हैं लड्डुओं के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये वाला 1 कटोरी चीनी ली हुई है और इसी की आधी कटोरी हम पानी लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखो, इसमें मैं डाल दूँ 1 कटोरी चीनी, इसी की आधी कटोरी पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक हम पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी अच्छे से तैयार नहीं हो जाती। इसको एक तार वाली वैसे नहीं बनानी है, बस इसको चिपचिपी बनानी है और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा रंग डालने के लिए मैंने केसर भिगोया था, इसका थोड़ा सा डाल दी हूँ। ये देखो बहुत अच्छा कलर आएगा हमारा। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो अभी हम अपने ये भी पलटेंगे, देख लेना, धीरे धीरे पलटेंगे हम। ये देखो धीरे धीरे हल्के ब्राउन हो रहे हैं नीचे से। तो देखो फ्रेंड्स, चाशनी बन चुकी है, हमें तार वूर वाली नहीं बनानी है, बस इतनी बनानी है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अच्छे से हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई अच्छे से। अब इसको ठंडा होने देंगे, तो जो बाकी बचा हुआ बैटर है वो भी हमें इसी तरह फ्राई करना। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं पकौड़ियाँ, और देखो अंदर से भी अच्छी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ग्राइंड करते हैं हम इसको अच्छे से। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बहुत सॉफ्ट हो गया है। जो थोड़ा बहुत रहता है वो जब हम चाशनी में डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको जो बचा हुआ हमारा घी है, ज़्यादा नहीं, मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ, मैं थोड़ा सा ही डाला था, 4-5 चम्मच ही बचा हुआ है। तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से डाल देंगे इसमें, और गैस फ्लेम बिल्कुल लो में रखी है। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, ये देखिए। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे चाशनी, जो हमने चाशनी बनाई थी, गैस फ्लेम बिल्कुल लो में रखी है मैंने। तो चाशनी डाल देंगे हम। चाशनी के साथ साथ ही मैं 1 चम्मच जे इलायची पाउडर डाल दूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ नहीं खाएंगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक देंगे, ताकि जो हमारी चने की दाल थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो ढक देते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। तो चलिए खोलते हैं। तो ये देखिए
अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो चलिए लड्डू। हाँ, आपको लड्डू खाने थे ना। देखो देखो, अब लड्डू बनाने के बहाने देखो प्यार हो रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा भी नहीं, नॉर्मल है। अभी हम चलो इसके लड्डू बनाते हैं। अगर आपसे थोड़ा सा ग्रीस लेने के लिए आप देसी घी यूज कर सकते हो। तो चलिए बनाए हम लड्डू। तो ये देखिए लड्डू बहुत ईजी से बन जाएंगे। बस थोड़ा सा देसी घी हाथ में ग्रीस कर लीजिए ताकि चिपके ना, और शेप दे दीजिए। बहुत सॉफ्ट है, जब थोड़ा फ्रीज में लगाओगे तो हार्ड हो जाएंगे। देसी घी भी है ना साथ में, इसलिए बहुत इजी से बिल्कुल मोतीचूर जैसे लड्डू बनेंगे, उनसे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए ऐसे बनाने आपको लड्डू। तो ये देखिए एक कटोरी चने की दाल में कितने सारे लड्डू बन गए। आप भी गणेश भगवान के लिए भोग बनाए, बहुत इजी हैं। बस थोड़ा सा रूल्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से सॉफ्ट से लड्डू बन जाएंगे आपके। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे लड्डू, मैंने काजू पर एज ए डेकोरेट कर लिए, बहुत अच्छे बने हैं। तो बहुत इजी है ये बनाना, कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है। आप इनको कलर के लिए कुछ भी फ्रूट कलर डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, मेरे पास नहीं अवेलेबल था। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हो, मेरा मदर्स प्लैनेट भी इंस्टाग्राम पे आईडी है, मैं मेंशन कर दूंगी ऊपर, तो मुझे वहाँ पे मेरा रोज का अपडेट आप जान सकते हो। बाय बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद, हैप्पी गणेश चतुर्थी।